कांग्रेस की सूची के भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 46 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के यूपी में अजय राय, उनको उतार दिया गया है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में दिग्गजों पर दांव। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट। अब तक कांग्रेस के 183 उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में कई दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उतारा गया। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 बार के सांसद रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह को उतारा गया। और मध्य प्रदेश की ही रतलाम सीट से अनीता नागर सिंह के सामने कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 56 और अब चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि कई राज्यों में गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय न होने के कारण कांग्रेस का गणित फंसा हुआ है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। हालांकि कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नागपुर से विकास ठाकरे को टिकट मिला है। रामटेक से रश्मि बर्वे को प्रत्याशी बनाया गया है। भंडारा गोंदिया से प्रशांत पडोले को टिकट मिला है और गढ़चिरौली चिमूर से नामदेव किरसन को मैदान में उतारा गया। आपने एक मध्यम वर्ग महिलाओं को चुना और आप पक्ष को एक बात की मैं इस आपके माध्यम से एक गवाही देना चाहूंगी कि जो विश्वास, जो एक भरोसा सामान्य परिवार के महिलाओं पे जो पक्ष ने भरोसा दिया है, वो भरोसा हमेशा कायम बरकरार रखने की कोशिश करूंगी। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, बावजूद इसके सभी पार्टियां लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुसलमान नेता इमरान मसूद को सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने एक बड़े छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उस व्यक्ति पर भरोसा जताया जो पीढ़ियों से कांग्रेस में रहते हुए काम कर रहे हैं। हमारी 2-3 पीढ़ी पहले से हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझको यह मौका दिया है और उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, हम कांग्रेस की सीट जीत के देंगे। हमने फोकस किया कि यूथ को एम्पावर किया जाए और साथ ही साथ ST/SC OBC को 70% टिकट गया है। तो ये मैसेज है इस बात का कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तो आश्चर्यचकित रहेगा देश। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, बाकी के नामों पर लगातार मंथन जारी है।